subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस यूट्यूब चैनल ऑफ गंगोत्री ग्रुप ऑफ स्कूल्स। तो अपन स्टार्ट करते हैं हेलो फ्रॉम रिएक्शंस के वो क्वेश्चन से जो लास्ट क्लास में मैंने बोला था। वी विल स्टार्ट विद विच काइंड ऑफ सब्सट्रेट्स विल गिव द हेलो फ्रॉम रिएक्शन। तो देखिए क्वेश्चन लिखिए, विच ऑफ द Followings will give helium reaction। कौन कौन से सबस्ट्रेट हैं जो helium reaction देंगे। सबस्ट्रेट में लिख रहा हूं, एक है मेरे पास CH2 C double bond O O C2H5। देखिए ये सबस्ट्रेट क्या है, आपको दिख रहा है या नहीं मुझे पता नहीं। CH3 CH2 CH2 C डबल बॉन्ड O CH CH3 CH3, ये है। ऊपर वाला है CH3 CH2 CH CH3 OH, ठीक है। और एक और लिख लेना, एसिटिक एसिड भी लिख लेना। ये करिए, कौन कौन से कंपाउंड्स देंगे और कौन कौन से कंपाउंड्स नहीं देंगे। तो देखिए एक चीज देखिए, आपको चेक करने के लिए कौन कौन सा मेथड्स काम में लेते हैं, या तो जो मैंने बताए थे वो सबस्ट्रेट, और दूसरी चीज ऑक्सीडेशन देखेंगे और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन चेक कर लेंगे लगा के कि क्या फंक्शनलिटी क्या आनी चाहिए अपने पास। CH3 C डबल बॉन्ड O, ये फंक्शनलिटी आनी चाहिए अगर ये दो रिएक्शन अप्लाई करते हैं तो। अगर ये आती है तो आपका हेलोफॉर्म टेस्ट देता है, अदरवाइज नहीं देता। तो देखिए इसके अंदर मेरे पास हेलोफॉर्म कंडीशन के अंदर क्या होता है, बेस होता है OH, इसको ऊपर अटैक करके ये तो निकालता है ना, ये क्या हो जाएगा C2H5OH, और ये C2H5OH हेलोफॉर्म रिएक्शन के अंदर ही ऑक्सीडाइज होके क्या बनाता है, एसिटाल्डिहाइड बनाता है ना। अगर मैं इसको करूँ CH3, ये यही तो है CH3CH2OH, मैं इसको ऑक्सीडाइज करवा के क्या बनाता है CH3CH डबल बॉन्ड O, ये तो क्या देता है, हेलोफॉर्म टेस्ट देगा ही नहीं। मतलब कहने का है ये मॉलिक्यूल हेलोफॉर्म टेस्ट देगा, ऐसे किसकी वजह से देगा, ये सिर्फ इनकी वजह से देगा, जो कि बड़ा मॉलिक्यूल इधर है। आपको पता है, आप सोच रहे होंगे यार ये तो साइड प्रोडक्ट है, क्या दिक्कत है, रिएक्शन तो पॉट के अंदर हो रही है ना, बर्तन के अंदर हो रही है। अब उसके अंदर थोड़ी है कि बड़े वाला छोटे वाला सिखा के थोड़ी भेजा है। पानी के अंदर अगर नमक डाल दिया तो नमक का पानी उसके अंदर NaCl पानी दोनों साथ ही है ना, घुले हुए हैं दोनों एक दूसरे के, तो वैसे ही है। अब ऐसा थोड़ी आप उससे नमक अलग करके पानी का मॉलिक्यूल अलग दिख रहा है, नमक अलग दिख रहा है, ऐसा थोड़ी होता है। तो वही चीज है, तो ये दोनों ही चीजें प्रेजेंट है, उसमें कौन सी स्पीसीज दे रही है, ये दे रही है, ये नहीं दे रही, इसका क्या बन जाएगा करस्पॉन्डिंग एसिड। क्या ये देगा बताइए, नो। क्यों, आप बोलेंगे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करवा भी दोगे तो क्या बनेगा CH3CH2OH, और इसका अगर ऑक्सीडाइज भी करवा दोगे CH3CH2CH डबल बॉन्ड O, तो ये कैसे देगा, यहां CH3 होता तो देता, तो क्या निकल जाता, आयोडोफॉर्म या क्लोरोफॉर्म जो भी है।
ये नहीं देगा। क्या ये देगा? यस। क्यों? इसके कारण ये ऑक्सीडेशन करके क्या बना देगा? सी डबल बॉन्ड ओ, और फिर वो दे देगा। कहने का मतलब ये क्या है? ये देगा या नहीं? नो, ये तो देगा, ये तो कुछ नहीं, इसको बेस का खाली अटैक करना है, ये तो आगे का मॉलिक्यूल बना दिया उसने ऐसे। ये नहीं देगा ऐसे। इस तरीके से है जो कुछ कैसे आप जज करते हैं किसी भी कंपाउंड के अंदर हेलोफॉर्म टेस्ट देंगे या नहीं देंगे। अब देखिए, मैं दो रिएक्शन लिखता हूं, आपको बताना है, ठीक है? क्वेश्चन देखिए, ये सब पता लगेगा इनका एप्लीकेशन जब आप ऑब्जेक्टिव सॉल्व करेंगे, अदरवाइज पता ही नहीं लगेगा ये कहां दे रखे किताब में। ये तो खाली ऑब्जेक्टिव सॉल्व करेंगे और जब कंडीशन पहचानेंगे तब आपको दिमाग में क्लिक करना चाहिए कि वो रियल में हेलोफॉर्म रिएक्शन है या नहीं। आया बात समझे? पता चलेगा आपको। देखिए क्वेश्चन दिया गया है, एक CH3 CH double bond CH2, इसका दिया गया है HgOAC का होल ट्वाइस, THF यहां NaBH4 है, ये OH माइनस H2O कर लेना, और दूसरे के अंदर दे रखा है NaBH4, ये दे रखा है, कंपाउंड बनता है A, ठीक है? और कंपाउंड A को मैं ऑक्सीडाइज्ड करवाया हूं जिंक 573 केल्विन टेम्परेचर के ऊपर, जिंक के साथ ऑक्सीडाइज्ड करवाया हूं, कंपाउंड बनाया B, और कंपाउंड B का रिएक्शन करवाया मैंने NaOH प्लस I2 के साथ, कंपाउंड बनता है C&D, एंड सी गिव्स येलो कलर PPT। What is A, B, C, and D, चारों बताने हैं आपको, चाहे मैं एक पूछता तो भी आपको चारों पता होने चाहिए, तो ही वो तो स्ट्रेटजी होती है एग्जामिनर की, मैंने चारों ही पूछ ली। बताइए क्वेश्चन दिया उसी का एप्लीकेशन, देखिए इधर देखिए स्टूडेंट्स, अगर ये केस बिलोंग्स टू कौन सी रिएक्शन है? मर्क्यूरेशन डी मर्क्यूरेशन रिएक्शन, ठीक है? तो ये क्या बनाएगा? ए क्या हो जाएगा? CH3 COH CH3, यही आएगा ए। क्या यही आया आपका? आपको मैकेनिज्म दिमाग में चलाना है या फिर ड्रॉ करना है, अगर दिमाग में नहीं चलती है, अगर दिमाग में नहीं चलती है तो आई वुड लाइक टू से दैट कि यू आर इन लेस प्रैक्टिस, और जिसको दिमाग में चलती है दोज स्टूडेंट्स आर इन वेल प्रैक्टिस, और जिसके दिमाग बहुत नहीं भी चलते हैं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अब धीरे धीरे चलने आ जाना चाहिए क्योंकि अब आपके एग्जाम आने वाले हैं 5 महीने बाद, ठीक है? इसके बाद जिंक क्या करता है? ऑक्सीडेशन करता है सेकेंडरी एल्कोहल का, किसमें करता है? कीटोन में। और ये आगे का कंडीशन है, केस बिलोंग्स टू, ये तो आ गया ऑक्सीडेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल, और ये किसका एग्जाम्पल है? आयोडोफॉर्म रिएक्शन का एग्जाम्पल, आयोडोफॉर्म रिएक्शन, और आयोडोफॉर्म रिएक्शन क्या बनाता है? एक तरफ तो निकालता है CH3, तो और CH3 का कलर क्या होता है? येलो कलर का प्रेसिपिटेट, ये जो येलो कलर का प्रेसिपिटेट ये है, और दूसरी तरफ क्या निकल गया? CH3 C डबल बॉन्ड O O माइनस, अगर सोडियम है उसके साथ तो Na+ लगा दिया,
ये दो, ये आ जाएगा सी और ये आ जाएगा डी, बी और ए, ऐसे आया बात समझ में? ए बी सी और डी सारे के सारे आ गए। किया, ये हुआ आपका आयोडोफॉर्म रिएक्शन खत्म, या मैं बोलूं हेलोफॉर्म रिएक्शन खत्म मेरी तरफ से। हेडिंग डालेंगे पोपॉफ रूल या ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन। देखिए कीटोन का इन जनरल ऑक्सीडेशन होता नहीं है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि कीटोन खुद ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म में है। अब क्या करेंगे ऑक्सीडाइज्ड होके? लेकिन अगर बहुत ही ज़्यादा ड्रास्टिक रिएक्शन कंडीशन दी जाए, ड्रास्टिक रिएक्शन कंडीशन में क्या आता है, मतलब कहने का है ड्रास्टिक रिएक्शन कंडीशन उसको बोलते हैं जैसे KMnO4 एसिडिक मीडियम में दे दिया, KMnO4 क्या करता है ऑक्सीडाइज्ड कर देता है, कीटोन को भी ऑक्सीडाइज्ड कर देता है। उसी तरीके से आपको दे दिया कोई पोटेशियम डाइक्रोमेट एसिडिक मीडियम में, वो भी ड्रास्टिक, HNO3 वो भी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है। तो ये बोलते हैं जबरदस्ती आप कीटोन को ऑक्सीडाइज करवा रहे हैं, अदरवाइज कीटोन ऑक्सीडाइज्ड होता नहीं है। ठीक है, तो देखिए हेडिंग डालेंगे पोपॉफ रूल, या पहले उससे हेडिंग डालेंगे ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन। ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन्स इन जनरल, कीटोन डज नॉट, कीटोन्स के लेना डू नॉट ऑक्सीडाइज्ड, बट इन हार्श रिएक्शन कंडीशन, हार्श मतलब हार्श रिएक्शन कंडीशन दे विल गेट ऑक्सीडाइज्ड कोरस्पॉन्डिंग एसिड्स। और इसके जो हार्श रिएक्शन कंडीशन मतलब जो है ये कौन से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स काम में रखते हैं वो मैं बोल रहा हूं, कौन कौन से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, जैसे है एसिडिक K2Cr2O7, एसिडिक KMnO4, या मैं बोलूं कंसेंट्रेटेड HNO3, ऐसे ये होते हैं। ये क्या है हार्श रिएक्शन कंडीशन, मतलब ये हार्श रिएक्शन कंडीशन ये कीटोन को भी ऑक्सीडाइज कर देते हैं, इनको स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के अंदर कन्वर्ट किया जाता है। ठीक है, तो इसके द्वारा अपन ऑक्सीडेशन पढ़ेंगे। टुडे वी विल रीड फ्रॉम द कंसंट्रेटेड HNO3, और कंसंट्रेटेड HNO3 से अगर किसी कीटोन का ऑक्सीडेशन होता है तो उसको बोलते हैं पोपॉफ रूल के अकॉर्डिंग ऑक्सीडेशन होना। तो हेडिंग डालेंगे पोपॉफ रूल, पॉपऑफ रूल, POPOFF, पॉपऑफ रूल। पॉपऑफ रूल किस पे लगता है? जब कोई एसिमेट्रिक कीटोन होता है, पॉपऑफ रूल बोलता है किसके साथ होता है, विद पॉपऑफ रूल द व्हेन एसिमेट्रिक, कहने का मतलब क्या है, जब एसिमेट्रिक कीटोन होता है, एसिमेट्रिक कीटोन का मतलब जैसे सी डबल बॉन्ड ओ है, एक तरफ CH3 लगा है दूसरी तरफ CH2 CH3 लगा है, दैट इज एसिमेट्रिक एसीटोन,
एसिमेट्रिक कीटोन। अगर आपको मैं पूछूं एसीटोन, एसीटोन इज द एग्जांपल फॉर सिमेट्रिक कीटोन और एसिमेट्रिक कीटोन, आप क्या बोलेंगे? सिमेट्रिक। आया बात समझ में? क्योंकि उसके इधर भी सी एच थ्री जुड़ा और इधर भी सी एच थ्री जुड़ा हुआ है। तो मैं कह रहा हूँ एसिमेट्रिक कीटोन की रिएक्शन जब HNO3 के साथ करवाई जाती है तो वो करस्पॉन्डिंग एसिड जनरेट करता है, लेकिन वो एसिड जनरेट करते टाइम कार्बोनाइल कार्बन ऑलरेडी इसके अंदर प्रेजेंट है, कोई भी कीटोन के अंदर, वो सी डबल बॉन्ड ओ कौन से की साइड जाएगा, वो है, वो पॉपऑफ रूल बताता है। तो कहने का मतलब मैं बताता हूं क्या, जैसे आपको कोई बोले सिमेट्रिक के अंदर तो दिक्कत ही नहीं है, कोई टेंशन वाली बात नहीं, जैसे इसका है और इसका बोले HNO3 के साथ रिएक्शन करवाने से क्या होगा कंसेंट्रेटेड, तो मैं क्या कहूंगा कि इसको ऑक्सीडाइज करके एक तरफ बना दीजिए CH3 C डबल बॉन्ड OH, और दूसरी तरफ इसको भी क्या कर दीजिए HC डबल बॉन्ड OOH, और चाहे इसको मैं इधर से नहीं करूं, अगर इधर से करूं तो भी प्रोडक्ट तो वही बनने वाला है, क्या बनेगा HC डबल बॉन्ड OH और CH3 C डबल बॉन्ड OH, ये इधर भी यही बनेगा और इधर भी यही बनेगा, बस सेम प्रोडक्ट बनेंगे। तो इसलिए ये सिमेट्रिक के लिए तो अप्लीकेबल ही नहीं है, आप बोले कि इधर से भी कर लीजिए, एक तरफ मुझे कार्बोनाइल कंपाउंड को भेजना है, कार्बोनाइल कार्बन को भेजना है, और दूसरी तरफ उसका एसिड कार्बन का एसिड बनाना है, उसका भी एसिड बन ही जाएगा, लेकिन उसमें सी डबल बॉन्ड ओ ऑलरेडी था, बस ओ जुड़ा है, ठीक है। बात आती है एसिमेट्रिक की, एसिमेट्रिक जैसे मैं एक सिंपल एग्जाम्पल लेता हूं सी एच थ्री सी डबल बॉन्ड ओ सी एच टू सी एच थ्री, अगर इसको मैं दो तरीके से ऑक्सीडाइज कर सकता हूं, कैसे, एक तो मैं ये तोड़ के ये बनाऊं एच सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच, और साथ में मैं क्या निकालूं सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच सी एच टू सी एच थ्री, और एक तरफ मैं ये इधर से ब्रेक करूं, क्या बनाऊं सी एच थ्री सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच, और साथ में मैं निकालूं सी एच थ्री सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच। तो बोले पॉपऑफ रूल कहता है कि जब एसिमेट्रिक कीटोन होते हैं तो जब कंसंट्रेटेड HNO3 के साथ इसको ऑक्सीडाइज करवाया जाता है तो कार्बोनाइल कार्बन की तरफ जो दोनों तरफ एल्काइल ग्रुप जुड़े हुए हैं उनमें से जो स्मॉलर ग्रुप है वो स्मॉलर ग्रुप किसके साथ चला जाता है सी डबल बॉन्ड ओ के साथ जाता है, ये बोलता है। कहने का मतलब कार्बोनाइल ग्रुप ऑलवेज गोज विद स्मॉलर एल्काइल ग्रुप, कहने का मतलब ये कार्बोनाइल ग्रुप है, ये है एक बल्कि एल्काइल ग्रुप, इन आपस में कंपैरिजन करें कार्बोनाइल के एक तरफ बल्कि और एक क्या है स्मॉलर। तो बोलते हैं कि ये जो सी डबल बॉन्ड है ये इट गोज विद स्मॉलर एल्काइल ग्रुप, बस स्मॉलर एल्काइल ग्रुप का मतलब है इधर, ये इधर जाएगा तो प्रोडक्ट मेरा रियल में क्या बनेगा ये बनेगा, ये प्रोडक्ट नहीं बनेगा। अगर ये इधर चला जाता इसके साथ तो ये सी एच थ्री सी एच टू सी डबल बॉन्ड ओ एच, और इसका ये नहीं बनेगा ये बनेगा, ये चीज पॉपऑफ साइंटिस्ट ने बोला था सबसे पहले, इसलिए इसको बोल दिया पॉपऑफ रूल। तो मैं वही अब इसकी दो लाइनें अंग्रेजी में लिखाने वाला था कि व्हेन एसिमेट्रिक कीटोन इज ट्रीटेड विद द कंसंट्रेटेड HNO3 द स्मॉलर एल्काइल ग्रुप विल गोज विद कार्बोनाइल कंपाउंड्स या कार्बोनाइल ग्रुप, या मैं बोलूं कार्बोनाइल ग्रुप विल गोज अलोंग विद स्मॉलर एल्काइल ग्रुप। तो लिख लीजिए उसको, यहां पे लिखेंगे, इधर लिख लेना ये, व्हेन एसिमेट्रिक कीटोन इज ट्रीटेड विद कंसंट्रेटेड HNO3 द कार्बोनाइल ग्रुप goes with
स्मॉलर एल्काइल ग्रुप ये है, और ये एग्जांपल उतार लेना। अब आपको मैं कुछ एग्जांपल्स देता हूं, वो देख लीजिए। एसीटोन का तो मैंने करवा ही दिया आपको, एक दिया है ये, कंसेंट्रेटेड HNO3 के साथ जब रिएक्शन करवाया, तो देखिए इसको अगर करवाएंगे ऑक्सीडेशन तो स्मॉलर ग्रुप ये है या ये है, ये तो कार्बोनाइल इसके साथ जुड़ेगा, मतलब एक तरफ तो बनेगा CH3C(OOH), मतलब ये किधर से ब्रेक होगा, ये ऑक्सीडेशन इधर से होगा, और दूसरा बनेगा CH3 डबल बॉन्ड O, ये बनेगा, और ये वापस से ऑक्सीडाइज हो जाएगा, फर्दर ऑक्सीडाइज होगा, ये बनेगा HC डबल बॉन्ड OOH, और निकालेगा CH3 C डबल बॉन्ड OOH। मतलब कहने का मतलब है ये प्रोडक्ट बनेंगे और ये बनेगा ऐसे, क्लियर? पहले क्या हुआ, ये बना और इधर क्या बन गया, ये इसको ऑक्सीडाइज होगा तो एच निकल के ये क्या बना देगा, एसीटोन, और एसीटोन वापस से कंसंट्रेटेड HNO3 तो डाला ही है उसके अंदर ऐसे। अब ये तो स्मॉलर और बिगर पता लग रहा है, लेकिन दोनों तरफ नंबर ऑफ कार्बन एटम सेम हो जाए, अगर नंबर ऑफ कार्बन एटम सेम हो गया तो फिर कैसे करेंगे, हाउ टू जज कि ये बिग है या स्मॉलर है, चाहे एक ब्रांच हो चाहे नहीं। जैसे एक एग्जाम्पल देखता हूँ, एक एग्जाम्पल देखिए, CH3 CH CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 CH2 CH3, और इसकी कंसेंट्रेटेड H2SHNO3 के साथ जब रिएक्शन करवाई जाएगी तो क्या बनेगा, ये है, ठीक है? तो देखिए ये, अब मैं इसको स्मॉलर मानूं या इसको स्मॉलर मानूं, बताइए, ये तो दोनों ही सेम है, तो इसके लिए क्या करते हैं, ऐसा मॉलिक्यूल टेंशन देने वाले मॉलिक्यूल बोलते हैं इनको। तो आप कार्बोनाइल कार्बन को उस के साथ भेजिए जहां से नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा हो, जिस कार्बन के अल्फा कार्बन के ऊपर नंबर ऑफ हाइड्रोजन ज्यादा हो, मतलब कहने का मतलब ये इधर से होगा ऑक्सीडाइज, तो एक तरफ तो बनेगा CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, दूसरी तरफ बनेगा C डबल बॉन्ड OOH CH2 CH2 CH3, ये बना, और ये वापस से ऑक्सीडाइज होके क्या बना देगा, HC डबल बॉन्ड OH प्लस CH3 C डबल बॉन्ड OOH, ये तीन प्रोडक्ट बनेंगे। देखिए ये प्रोडक्ट नहीं बांधना है, ये तो ये इसके थ्रू हो रहा है, कहने का मतलब मैं डायरेक्ट यहाँ पे नहीं दिखा सकता ना, तो इसके थ्रू है, ये तो एक इंटरमीडिएट होगा, कंसंट्रेट HNO3 की प्रेजेंस में तीन प्रोडक्ट बनेंगे A B और C इस सबस्ट्रेट से ऐसे। तो लिख लेना, व्हेन द नंबर ऑफ कार्बन एटम सेम बोथ साइड ऑफ द कार्बोनाइल कार्बन, देन द कार्बोनाइल कंपाउंड कार्बोनाइल ग्रुप गोज विद सच, लिख लेना यहां पे, व्हेन द एसिमेट्रिक कीटोन कंटेन बोथ साइड सेम नंबर ऑफ कार्बन, देन कार्बोनाइल ग्रुप गोज विथ सच एल्काइल ग्रुप which have more number of alpha hydrogen, खत्म। ये आया बात सुन, ये लिखा है, ये इधर देखिए कीटोन लिखा है ऊपर की लाइन में, अगर नहीं दिखता तो ये नंबर लिखा है, ये कार्बोनाइल लिखा है, ये एल्काइल लिखा है, नंबर लिखा है, ऐसा आया।
ये हुआ आपका पॉप-ऑफ रूल खत्म। कभी कोई स्टेट आ जाए स्टेप में कंसेंट्रेट एच ओ थ्री के साथ कीटोन, तो आपको समझ जाना है पॉप-ऑफ रूल है।